मेरा नाम सर के मिश्रा है। मैं 1984 के दंगे में मुझको निर्दोष भेज दिया गया था। सर यहाँ आने के बाद, ये कार्यशाला ज्वाइन करने के बाद, अब मेरी समझ में आया है कि ये मेरा सौभाग्य था कि हम जेल आए हैं। जी सर, ये शिक्षा हमें कभी इससे पहले नहीं मिली, ना ही शायद रामायण महाभारत किसी उससे हमको मिल सकती थी, जो शिक्षा यहाँ पे मिली है। एक उदाहरण हमारे सर जी ने दिया था कि एक मामा भांजे थे, तो मामा जी ने अपने बहनों जी का एक पार्टी में तिरस्कार थोड़ा कर दिया था, तो भांजे ने लक्ष्य बना लिया था कि हमें मामा जी को जो है इसी तरह पार्टी बुला के इनको अपमानित करना है। तो ये शायद सच्ची घटना भी है। तो उसने अपना लक्ष्य बना लिया था। तो जब वो कार्यशाला में आया, किसी चलती हुई कार्यशाला में, तो फिर जब उसको समझाया गया कि ठीक है, तुम अपना लक्ष्य कितने साल में पूरा करोगे, तो उसने बताया कि सर 15 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, मैं पूरा करूँगा, इतना पैसा कमाऊँगा कि उनसे ज़्यादा पैसे वाला बन के उनको पार्टी में बुलाऊंगा, फिर उनको विजित करूंगा। लेकिन गुरुजी ने जब उनको समझाया कि क्या तुम्हारा 15-20 साल तुम सोचते हो कि मामा जी जिंदा रहेंगे अपना लक्ष्य पूरा बदला लेने के लिए, तो कुल मिला के ये समझ में आया कि बदले की भावना से काम करने से कभी सुख शांति नहीं मिल सकती है, आप हमेशा उलझन में फंसे रहेंगे। तो अंत में उसके भी समझ में आया, जो भी हो, उसने अपना इरादा बदल दिया और उनको समझाया भी गया कि बदला लेने का दूसरा तरीका भी हो सकता है कि उनके लड़के से दोस्ती कर लो, उसको अपनी तरफ मिला के उसको अच्छे रास्ते पे ले जाओ, भाई वो जब आपके पिताजी के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है तो वो सबके साथ करता होगा, उसका नेचर वैसे ही है, तो अपनी पत्नी के साथ भी करता होगा, अपने बच्चे के साथ भी करता होगा, तो उससे बच्चे भी दुखी रहते होंगे, तो उनके बच्चे को अपना दोस्त बना लो, उसको सुधारो, तो मामा जी खुद ही शर्म तुम्हारे बाद में सोचेंगे हमने अपने बच्चे को नहीं सुधार पाए और इसने अपने बच्चे को सुधार दिया। उसी तरह महाभारत का उदाहरण एक दिया था द्रौपदी जी वाला, और भी बहुत से अच्छे अच्छे उदाहरण इतने अच्छे दिए हैं जिनसे हमारा व्यवहार में बहुत हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। और हमने अभी मतलब अपने मन बना रखा था, हम भी राजनीतिक दल से जुड़े हैं सब, कि यहाँ से जाके वो इंस्पेक्टर ने जितने भेजा उसकी हम ऐसी तैसी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और अब मैंने पक्का सोच लिया उसको जाके 1 किलो मिठाई का डब्बा दे दिया, ठीक पक्का अभी सोच लिया है और निश्चित रूप से दे दिया कि उसको, और हम समझते हैं कि वो डब्बा लेने के बाद जिंदगी भर शर्म के मारे मरेगा, क्योंकि उसको खुद मालूम है कि हमने निर्दोष भेजा है, अब किस दबाव में भेजा ये बात अलग है। तो सर यही मैं कह रहा हूँ, इस कार्यशाला को वाकई में सबसे ज़्यादा आवश्यकता अगर है तो जेल में बंदियों के लिए ही है, क्यों सबसे ज़्यादा विरोध और बदले की भावना यहाँ बंदियों के अंदर ही रहती है, तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि इसको आगे और चलाया जाए। इसी के साथ सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।